नारद जी ने कहा संत बनने का पूर्ण मन था और इस जन्म में आके मैं संत बन पाया, आज आपके सामने खड़ा हूँ। व्यास जी बोले, भगवान नारद जी मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी संसार की कल्याण हेतु, लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मन झकझोर रहा है, कह रहा है कुछ और लिखो, ऐसा लिखो जो महापुराण का स्वरूप धारण करे। तो नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो लिख दो। बोले कि नहीं, लेकिन मुझे पुत्र का दुख है, मैं नहीं लिख पाऊंगा, हाथ नहीं चलेंगे। नारद जी ने बहुत ज्ञान दिया, कैसा रोना ये क्यों रोना, यह तो मतलब का रोना है, क्या तुमको यह मालूम नहीं, यह हाल सभी का होना है। अरे सबका होना है ना, आना जाना। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने ही की तैयारी है, चल देता है वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। कमर बांधे हुए चलने को, यहाँ कुछ यार बैठे हैं, बहुत चले गए और बहुत बैठे हुए, हम सबको भी जाना है। कमर बांधे हुए चलने को, यहाँ कुछ यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं, न छेड़ो निकहते वादे बाहरी राह तक अपनी, तुम्हें अटखेलियां सूझी हम बर्बाद बैठे हैं, तुम्हें अटखेलियां सूझी हम बर्बाद। एक शब्द आता है फारसी और अरबी मिक्स, अजल, क्या आता है ए सी एन, अजल कौन सा आता है, अजल, अजल माने मृत्यु मौत, अजल माने। और दूसरा शब्द आता है गाफिल, गाफिल का अर्थ होता है श्रीमान या जो भी अपने आप में संबोधन करता हो। तो दो व्यक्ति खड़े हैं और आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बोले, अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है, मौत के नाम से तू क्यों डरता है, अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है, मुसाफिर खूब मिलते हैं ये रास्ता खूब चलता है। दूसरा बोला, अजल के नाम से गाफिल मेरा दिल यूं दहलता है, मुसाफिर खूब मिलते हैं नहीं कोई साथ चलता है, मुसाफिर खूब मिलते हैं नहीं कोई साथ चलता है। पड़ा था जमीन पर, पड़ा था जमीन पर, लोग बोले कि मर गया मर गया मर गया। इतने में आया एक फकीर और बोला, ये मर नहीं गया, ये अब तक जिंदगी के सफर में था, आज अपने घर गया, ये अब तक जिंदगी के सफर में था, आज अपने घर गया। बोलो राधे कृष्ण। तो तुम क्यों चिंता करते हो व्यास जी, कुछ लिखो। बोले कैसे लिखूं। नारद जी ने चतुर श्लोक की भागवत का ज्ञान दिया, व्यास जी ने समाधि लगाई और वो चतुर श्लोक की भागवत 18,000 श्लोक बनकर फूट पड़ी और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव हो गया, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।